वन देखने वाले, अब ये क्लास वन देखने वाले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट उदय उत्पन्न विवरण, ठीक है। चलिए ये भी हमारा चैप्टर नंबर 9 का पार्ट है। ये भी क्वेश्चंस कभी कभार क्या होता है कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार तुमको इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पे आ जाएंगे पेज नंबर 349 पे, मराठी मीडियम वाले आ जाएंगे 363 पेज एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक, ठीक है, किताब के हिसाब से। चलो सबसे पहले आ जाते हैं सेल्स। ये फॉर्मेट दिया हमारे पास प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट का। सबसे ऊपर में हमारे पास सेल्स जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है। तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, डोबल नफा, और उसके बाद जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा टोटल खाते के हिसाब से। उसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस करके आंसर्स को टैली करेंगे और निकालेंगे। हमारे पास उन्होंने प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, बट हमको उसने क्या बोला है कि आप वर्टिकल में क्या करो, उसको कन्वर्ट करो। तो चलो हम क्या करते हैं, एक एक चीजें एज पर फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल्स। सेल्स देखो हमारे पास कितना दिया है, 11 लाख का, ठीक है। 11 लाख रुपए का क्या दिया है, सेल्स। उसमें से सेकेंड पार्ट क्या रहता है, माइनस। माइनस का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मालाची बिक्री कीमत। इसमें हमारे तीन चीजें आती है, तीन चार चीजें आती है। पहला आता है ओपनिंग स्टॉक प्रारंभन उत्पन्न, प्लस करते परचेस खरीदी, उसमें से प्लस और किया जाता है वेजेस मजूरी, और उसमें से आखिरी में क्या किया जाता है हमको, माइनस क्लोजिंग स्टॉक सफरन स्टॉक, ठीक है। तो हम एक एक चीजों को प्लस माइनस करते लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का फिगर कितना दिया हमारे पास क्वेश्चन में, प्रारंभन स्कंध 3,50,000 का। उसके बाद परचेस खरीदी, खरीदी आपको दिख जाएगा वहां पे क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 लाख रुपए का, ठीक है, 7 लाख का। और दिया है वेजेस मजूरी, मजूरी कितना दिया है हमको, 50,000 की। हम सबसे पहले क्या करेंगे इन तीनों को प्लस, तीनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 7 यानी कि 4 7 कितना जाएगा, 11, ठीक है, कितना आ गया, 11 लाख रुपए। 11 लाख में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक सवरण स्कंद जो हमारे को क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया हमको सवरण स्कंद वहां पे, 2 लाख रुपए का, कितना दिया, 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो हम 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा, 9 लाख, ठीक है, 11 लाख। अब यहां से देखो ये 11 लाख में से 2 लाख माइनस किए तो 9 लाख। अभी यहाँ पे दिया हमारे पास सेल्स, सेल्स में से ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये पूरा निकला कितना है, 9 लाख का। मतलब ये सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS मालाची बिक्री कीमत ये क्या करना है हमको, माइनस। मतलब 11 लाख में से 9 लाख को क्या करना है, ये 9 लाख पूरा निकला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की टोटल, इसमें से क्या कर देंगे हम लोग 9 लाख माइनस। माइनस करने के बाद हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना जाएगा यहाँ पे, 2 लाख, कितना जाएगा, 2 लाख, ठीक है। ये क्या कर रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा का पूरा माइनस, जो निकल के कितना आया था, 9 लाख। तो 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2 लाख रुपए। और उसके बाद करेंगे हम लोग माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस परिचालन खर्च। यहाँ पे क्या क्या चीज आती है, तीन चीजें आती है, तीन चीजें कौन सी कौन सी, एक आता एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय खर्च, दूसरा आता सेलिंग एक्सपेंस बिक्री खर्च, और तीसरा यहाँ पे लिखा है हमने फाइनेंस एक्सपेंस वित्तीय खर्च। तो हम तीनों चीजें यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दी है, तो हम क्या करेंगे उसको एक एक चीजों को हम लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, देखो ऑफिस एक्सपेंस करके दिया उसने, कार्यालय खर्च, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है हमारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इसमें इतना दिया हमारे पास वो 1 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे अंदर में लिख लेंगे इसको 1 लाख, ठीक है। कौन से अमाउंट अंदर लिखे, जो कैलकुलेशन के पार्ट है, जो टोटल है अमाउंट वो हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज उसने क्या दिया हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हम लोग देख लेंगे कितना दिया हमारे पास, 15,000 का, 50,000 का, ठीक है। और उसके बाद थर्ड चीज हम लोग फाइनेंस एक्सपेंस, तो किताब में हमारे पास फाइनेंस एक्सपेंस वित्तीय खर्च कितना दिया है हमारे पास, 20,000 का, ठीक है। कितना कितना दिए, 1,50,000 और 20,000, तो 1,50,000 कितना, 1,50,000 और 20,000 कितना जाएगा, 1,70,000। तो ये टोटल आ जाएंगे हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये कुल परिचालन खर्च है 1,70,000। क्या क्या जोड़ दिए, 1,50,000 और 20,000, टोटल आ जाएंगे 1,70,000। और फिर क्या करेंगे, ये 2 लाख में से 1,70,000 क्या करना है हमको, माइनस, क्या करना है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन दे चुके थे ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला था उसमें से क्या करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस। माइनस मतलब ये तीनों चीजों की जो टोटल निकली है उस टोटल को हमको क्या करना है, माइनस। मतलब ये 1,70,000 है इसको क्या करना है हमको, एक्चुअल में माइनस करना है। जैसे यहाँ पे 9 लाख जो था ये भी क्या में था, तुम्हारा माइनस में था, ठीक है, 9 लाख जो था माइनस, वैसे ये भी क्या करना है हमको, माइनस। ये 2 लाख में से 70,000 1,70,000 माइनस किया तो कितना बचा हमको, 30,000, जो हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच। मैच हो गया मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट। समझ गया सभी को, ठीक है, नेक्स्ट।
क्वेश्चन के वक्त, ठीक है।